शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। ठाकुर ससेकर कर्मण ने नौकरी से निकलवाओगे, कोई बात नहीं, मैं थारी गुलामी कर लूंगा जिंदगी भर। अब क्या करेगी, किसके लिए बचा रही है अपने आप को? रणवीर के लिए? अरे वो तो अपने दुख में फंसा हुआ है, उससे तो पता भी नहीं कि उसके हाथ में केला है। सारी जैसी कटीरी छोरी जिंदगी भर अपने आप को जलाती रहे, ये मारे से सहन ना होगा। बस एक बात मारी, बात मार ले तू, फिर देख। थारे को स्वर की सैर ना करा दी, तुम्हारा नाम भी ठाकुर दीप सिंह ना है। मैं थारे से प्रेम की बातें करूं और तू दया की भीख मांगे? थारे से भीख मांगना शोभा ना देवे। अब चुपचाप तुम्हारी बात मान ले, नहीं तो थारे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। थारे बाप को गांव के किसी ट्रैक्टर के नीचे को चलवा दूंगा और लोगों को लगेगा कि यह हादसा हुआ, और फिर तेरे माँ को और तेरे भाई को झूठ बोलने के इल्जाम में गांव के बाहर पंचायत फेंक देगी। सोच रहे अरे अरे बापू को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात मान, मैं तेरी बात मान, समझ गई? कभी तो सही समय पर फोन क्या करो। अरे यही तो सही समय है भांजे, चिचोसा जानते हैं कि तू रसाल को लेने उसके गांव गया है। इससे पहले कि सवाल उठे तू जल्दी से रसाल को लेकर वापस आ जा, समझो? ठीक है। आज तो सारा नसीब अच्छा कि तू बच गए, चिंता मत कर, हम दोनों एक ही हवेली में रहने वाले, आज नहीं तो कल मौका तो मिल ही जाए भैया। अरविंद सिंह साहब, आपका कभी भी स्वागत है हमारी हवेली में। और वैसे भी मूमल और मोहित के रिश्ते के बाद हम दोनों परिवार एक हो जावेंगे। पधारो जी, पधारो। मोहित के पिता अरविंद सिंह साह का फोन था, 15-20 मिनट में पहुंचने वाले। फिर तो हम लोगों को जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर ऐसे मौके पे घर की बिंदड़ियों का होना बहुत जरूरी है। पर रसाल अब तक आई कौन है? आप चिंता ना करो, दीप रसाल को लेकर आता ही होगा। अरे बिन्नी, घर में मेहमान आने वाले हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा, घर की बिंदनी के कपड़े पहन के आना, चल। चल, अब चिंता की कोई बात ना, रसाल आई गई। पर दीप कटे हैं,
गया होगा अपने काम पे, अब बिजनेस की भी तो फिक्र रहे उसे। हरे को विक्रम की बात मानकर भाग जाना चाहिए था, क्यों आई मैं इस दलदल में लौटकर? एहसान कैसे हैं वहां माँ बापू घीसू सब ठीक है ना घर पे? आप ठीक है? तारा चेहरा तो ना बता रहा है कि वहां सब ठीक है? जी घर पे हाँ बापू घीसू सब खुश होने का बहाना बनाकर जी रहे बिल्कुल आपकी तरह। किन बातों में उलझा दिया आपको? अब ये किसू ने भेजा आपके वास्ते, उसने खुद अपने हाथों से बढ़ाया। किसू ने खुद बढ़ाया हमारे वास्ते? हाँ उसका कहना है कि आप इसमें इतने पैसे जमा करो कि अपनी गलती की कीमत चुकाकर आजाद हो जाओ। चिंता है उसे भाई। हाँ बहुत नादान है वो, उसे पता कौन है कि उसकी एक नहीं दो दो पहने कैद। एहसान तुम्हारे से कुछ छुपा रही है, के बोलियो थो थारे को अपने घर के बिंदनी वाले कपड़े पहन ले, मुमल रे रिश्ते वास्ते उसके होने वाले ससुराल से लोग आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कैसी बात कर रहे हैं परवीन सिंह साहब, ये भी आप रो अपनो घर है, अब जब चाहे अट्ठे पधार सकते हैं। जी बिल्कुल। दोनों बींदनियां हैं, ये बड़ी बींदनी दीप की पत्नी और वो छोटी रणवीर की पत्नी। हमारी छोरी है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सवाल के पूछने हैं, चांद का टुकड़ा है भाई, बस यही पूछना है कि इस रिश्ते से छोरी को कोई आपत्ति तो ना है? इसमें आपत्ति काय होगी ठाकुर साहब, हमारी छोरी है, जहां कहेंगे वहां ब्याह करेगी। बस मारे को तो ऐसी ही आज्ञाकारी बिंदी चाहिए, मारे कुंवर ने तो तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था और आज अट्ठे आना भी चाहता था, पर के करे रीति रिवाज के लिहाज से हमने मना कर दिया।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी परंपरा में विश्वास करें। शुभ मंगल हो आपको। भवन, मैं इस रिश्ते के खिलाफ को नहीं, थारे को मारी शर्त तो याद है ना? जी। मैं थारे को बोली थी कि कुंडली मिलाए बिना ये रिश्तों को नहीं हो सके है। मासा, थारी आज्ञा का पालन करने वास्ते ही तो यहाँ आए। कुंडली देना। येरी महारे कुमार मोहित की कुंडली। बस बस, अब आपके ऊपर है, जितना जल्दी हो सके दोनों कुंडलियों का मेल करवा दो, बस उसके बाद हम दोनों की छेड़ाई बजवा देंगे। माता जी महाराज का आशीर्वाद रियो तो हम सबकी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। रुक्मी, चल मारे साथ, मारे को कमरे में ले चल। रुक्मी, मैं आपके साथ आई। चलिए। आइए आप बैठिए। जी। अगर आपको कुछ बच्ची से पूछना है तो पूछिए। पूछना की है? पहले मेहमानों को चाय दी जावे, इतनों भी ना जाने हैं। कीजिएगा अरविंद सिंह जी, गलती तो इस नौकरानी की है। आप कहे माफी मांग रहे, थारे को काम करने का सलीका भी ना आवे के? जाने दो, होता है। कैसे जाने थे? मासा, हमारी हवेली में कोई दूसरी नौकरानी नहीं है क्या तो इस मनु सूरत वाली को चाय लेकर आना पड़ा? आपसे कितनी बार कहा है, ऐसे खुशी के माहौल में इसे दूर रखा कीजिए। खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ यहां से। जाने भी दीजिए कुंवर साहब, उसने जानबूझकर तो किया नहीं होगा, जिसके लिए उसे इतना सुनना पड़े। कुवरसा की नफरत सहने की शक्ति दे दो भगवान, क्योंकि शायद आप भी हमारे प्यार करने की सजा यही समझते, इसलिए हमारे को अपना जीवन खत्म करने से रोक दिया ना। और हमारी बहन रसाल का जीवन कुवरसा के प्यार से भर दो भगवान। हमारे को अपनी चिंता ना है भगवान, पर हमारी बहन को उसकी सारी खुशियां दे दो, खुद की बनाई इस
शक्ति की मूर्ति से वरदान मांगने की उम्मीद ना करूं जीजी। हमारा तो जी जा रहा था कि उमल के होने वाले सासरे के सामने अभी बता दूं कि सच के है। ना रसाल, तू ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। तो कुंवर साहब जान पूछ कर बात पे बात आपकी बेइज्जती करें, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो सके जीजी। रसाल जीजी, इस हवेली के लोग कभी आपकी बेइज्जती करें तो कभी हमारे से। के बोली तू? अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई? जीजी अब बोलने का ना, करके दिखाने का समय आ गया। बहुत ठंडक पहुंची होगी ना आपके कार्जे को, हरी जीजी पर अपना सारा जहर उगलते हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ गलत ना कह रही हूँ मैं, आपको तो बस छोरी का चेहरा दिखे, दिल कोनी। रसाल की बकवास कर रही है तू? बोलने दो जीजी, आज मारे को इस आदमी से बात करने दो। बदला लेना चाहते हो ना? मारी जीजी को इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो ना? सजा देना चाहते हो मारी जीजी को? वही तो कर रही है वो, एक नौकरानी से भी बदतर हालत में जी रही है। आपकी वजह से सिर्फ मारी जीजी नहीं बल्कि मारे बापू, माँ, भाई और मैं, हम सब सजा भुगत रहे। अभी सोचा था कि आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भरी है, अब लागे है कि आप तो आदमी का दर्जा भी रखो कोनी। बस अब एक शब्द मत बोलना तुम, जिंदगी तो मेरी नार खोई है तुम दोनों की वजह से। मेरी जिंदगी का हुनर छीन लिया तुम लोगों ने मुझसे, जहां मैं कल्पना किया करता था, रचना करता था, सब कुछ छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, सब कुछ। और तुम मुझे दोषी बना रही? वर्षा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए, मैंने आपसे कोई शिकायत ना है। बार बार मुझे गुनहगार बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ है। आज जब अपने इस कमरे में आता हूं तो वो मनु उस लम्हे याद आते हैं जो मैंने रुक्मी की याद में गुजारे थे। अरे नरक भी इस कमरे से कहीं अच्छा होगा, कम से कम तुम दोनों की शक्लें तो नहीं देखनी पड़ेंगी ना। तो जाओ ना नरक में, क्यों खड़े हो हमारे सामने? बस रुक्मी, और बंद करो ये नाटक। हरे को समझाने की कोशिश ना करना, हरे जो भी किया उसकी वजह कम कोनी। चंचल, ये रुक्मी और रणवीर में किस बात की बहस हो रही है? माँ साहब मैं की बोलूं, आप ही खुशी के खातिर रणवीर रुक्मी को इस हवेली में वापस तो ले आए, पर उसकी शिकायत तो अपनी जगह है ही ना, कि मेहमानों के सामने अपनी बिंदी का चेहरा दिखाए तो कैसे दिखाए। अच्छा तो ये बात, रुक्मी मुमल के होने वाले सासरे के सामने भी घूंघट काटे खड़ी थी, मारे बुलाने पर भी मारे साथ ना गई। जी मासा, यही तो वजह थी। हे बाबा, मारे रणवीर को सद्बुद्धि दे। वक्त रो इंतजार ये देखने की कि रणवीर को के मिले और के ना। अब रोना बंद भी करो जीजी, चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ा थी। रसाल जब तू जाने है कि मारे को कहाँ रहना है तो तू क्यों अपने इस कमरे की शांति भंग करने में लगी हुई है? अरे आप फिर से वही बातें दोहराने लग गई तो और के करूं? मैं तो अपना नसीब ना बदल सकूं, तू तो बदल सके है। कुंवर साहब को अपना कर जीना तो सीख सके है ना। जीना और इस जेल से बदतर हवेली में, जहां लोग अपने ही घर वालों से झूठ बोल रहे हो। अरे इनमें जरा सी भी इंसानियत होती ना तो ये बापू को डरा धमका कर हम दोनों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करते। बहुत ही अच्छा मौका दिया है माता जी महाराज ने आज, जो मैं कुंवर साहब को उनके किए का आईना दिखा सकी। रसाल तू जाने भी है, थारी इस बात से कुंवर सा कोई गलत कदम भी उठा सके। अरे भाड़ में जाए कुंवर सा, भारी को ऐसे आदमी की कोई परवाह ना है, चाहे वो खुद को नुकसान पहुंचाए या मर जाए। रसाल